रोज़ा जो है किस तरह से बना, क्या पंचकुला ही क्यों चलो? पंचकुला क्यों चला ये कारण ही है, हरियाणा में कहीं भी जाया जा सकता था। आज जो कि मैं चंडीगढ़ में था और मुझे लगा किसी एक थाने में जाकर के चेकिंग करनी चाहिए, इसलिए चंडीगढ़ से आकर के निकटतम स्थान पंचकुला में आज शाम का मैंने मन में विचार किया कि थाने को देख के आना चाहिए। अगर सामान्य व्यक्ति जब भी किसी थाने में जाता तो उसको क्या परिस्थितियाँ कैसे मिलती हैं, यहाँ आने के बाद एक बात जो मुझे पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन आज एक समागम के कारण से यहाँ के जितने भी सिपाही और जितने कर्मचारी यहाँ के पुलिस कर्मचारी वो सब ड्यूटी पर उतर गए थे, मात्र 3 कर्मचारी यहाँ उपलब्ध थे। उसके लिए तो किसी को जवाब नहीं ठहराया जा सकता, बड़ा करता था जिम्मेवार। लेकिन आने के बाद मुझे ध्यान में आया कि वहाँ रोड पर भी लाइट नहीं है, अंदर थाने में भी लाइट जो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, जो पार्क लाइट होनी चाहिए वो नहीं है। बाद में जनरेटर देखा तो जनरेटर भी अभी चल नहीं रहा था, उसकी भी शिकायत मुझे मिली है। और सामान्य बातें भी ध्यान में आई है, साधारण अपराधी है। एक सामान्य जितनी व्यवस्थाएं हैं जितनी अच्छी पंचकुला के थाने में होनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। सफाई की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट व्यवस्था ठीक नहीं थी, कूलर जो है वो टूटा फूटा पड़ा है। इस प्रकार से सारी बातें ध्यान में आई हैं और मैं समझता हूँ क्योंकि आज एक पहले दिन मैंने इस प्रकार का कदम लिया है, तो इसका मैं सब डिपार्टमेंट को संदेश देना चाहता हूँ एज होम मिनिस्टर, एज चीफ मिनिस्टर, कि थाने जो जनता के लिए एक राहत का स्थान होना चाहिए, जो उनकी शिकायत सुनने के लिए एक स्थान होना चाहिए, उनको वहाँ जा कर के सब प्रकार की व्यवस्थाएँ ठीक मिले, ऐसा हम सब थानों